हे कृष्णा, देखो कोई बुला रहा है। कृष्णा उठना। हे कृष्णा, अरे यार उठना। अबे साले सपने में भी नहीं करने देता, मुंह में नहीं वाला जाने ही वाला होता है, तभी बीच में आकर छीन लेता है तो। पता नहीं तेरे जैसे लोग मंगलवार को व्रत क्यों रखते हैं, चाहता तो तू भी खा सकता था। मैं तेरी तरह सपने में नहीं खाता हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो जाके खाता हूँ। मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी करूँगा। अच्छा सपना देख रहा है क्या? 25 गर्लफ्रेंड है लेकिन फायदा क्या, या तो सपने में या बाथरूम में करता है। और मुझे देख, एक ही गर्लफ्रेंड है, जब भी करना होता है पलंग पे जाके पटक के करके आता हूँ। चुप बैठ, बस बहुत हो गया, और बोलेगा ना तो तेरा रेप कर दूंगा, और इतना तगड़ा करूंगा कि तेरी बॉडी कांपने लगेगी, पसीना पसीना हो जाएगा तू, फिर काट के फेंक दूंगा तुझे। अरे जानू का फोन आ गया। हाँ दिव्या, हाँ बोलू ना, हाँ मैं आ रहा हूँ। अबे मैंने बहुत बड़ा स्टेडियम बुक किया है, वहाँ मैं अपने बैट से क्रिकेट खेलूंगा, और तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गली क्रिकेट खेलना, समझ में आया ना? आ गया मेरा छोटा चेतन। ये क्या, ट्रेन के इंजन की तरह छुक छुक क्यों कर रहे हो? देखना 5 मिनट के बाद ये बेड टूट जाएगा। अरे क्या हुआ, इतने स्लो क्यों हो गए? अरे क्या हुआ, इंजन में जंग लग गया क्या? अरे ऐसे कैसे लग जाएगा, अभी अभी तेल पिला के आ रहा हूँ। हे भगवान, ये भी ना। अरे रे रे रे, पहले तू ये बता तेरे इंजन में तेल है या नहीं है। बकवास बंद करो, अगर इतना शक है ना, एक बार आके चेक कर लो। बहुत चेक कर लिया, अब जो करना है वो करो। 5 मिनट और खैर मना लो, उसके बाद मैं अपनी पूरी ताकत के साथ बाथरूम सोफा बेड कहीं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे मुंह से चीखे निकलवा के ही छोड़ूंगा। तुम पूरी की पूरी पसीने से भीग जाओगी, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तुम फील्ड पे मेरा इंतजार करो, मैं टैबलेट लेके आता हूँ। हाँ, इसकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई। अरे ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? आपको क्या चाहिए? मैडम जो भी आप खुशी से दे दो। आपको क्या चाहिए बोलो। पहले इस लड़के को जाने दो, उसके बाद बताऊंगा। अरे बोलो ना क्या चाहिए। क्या तुम्हें वाइग्रा चाहिए क्या? आपको कैसे पता चला मैडम, कहीं आप भी तो यूज नहीं करती हो? तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर पता चल गया था। 500 mg वाली 5 चाहिए। अरे बाप रे, ये बहती नाक लेके दिव्या के पास जाएगा तो तुझे चिपकने भी नहीं देगी, सर्दी की गोली लेनी ही पड़ेगी। सर्दी की एक गोली दीजिए। या ओके। ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे बॉबी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा छोड़, तू यहाँ कैसे? सर्दी है रे, जरा नाक बह रही है। नाक बह रही है? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? उल्टी यार, रह रहे कि मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। सर टैबलेट्स।
ठीक है तू जा। थैंक यू। हाँ जल्दी जा। चलो बाय, बिल दे देना। हाँ चल कंजूस कहीं के। कितना हुआ मैडम? 240 सर। ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा हो गया। प्लीज हैव योर सीट सर, लगता है सर को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। एनीथिंग ऑर्डर सर? अरे यार क्यों दिखा रहे हैं? सर ऑर्डर प्लीज। वन कोल्ड कॉफी विद एक्स्ट्रा आइस क्यूब्स। ओके सर। दिस इज योर कोल्ड कॉफी, एक्स्ट्रा आइस क्यूब्स। सर शुगर डालूं क्या? अरे कंट्रोल यार, इट्स ओके, आई कैन हैंडल दिस। बाप रे, यही हालत नीचे भी हो रही है। कोल्ड कॉफी भी हॉट कॉफी की तरह उबल रही है। अरे ये क्या, कोल्ड कॉफी उबल रही है? ये लो पैसे। सर चेंज। नहीं तुम ही अंदर रख लो। अरे कहाँ पर हो आंटी? हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सिर्फ कसरत करोगे ये कुछ करके भी दिखाओगे, वरना मैं तुम्हारा ही कुछ करके चली जाऊंगी। एए, बस 5 मिनट और रुक जाओ, फिर ऐसी पावर जनरेट होगी ना कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा और अब तेरा सर टूटेगा, सर टूटेगा, सर टूटेगा, गधा कहीं का। हे कृष्णा, कैसे हो तुम? हे थोड़ा सा और। पहले बात सुन, गर्मी निकालेगा। मेघा, लास्ट टाइम बोला था कि पैसे देगा, अभी भी पैसे देगा कि नहीं पता नहीं, पहले पैसे दे दे फिर गर्मी निकाल लेना। मेघा पर्स कार में भूल गया। मेघा प्लीज मेघा, बस 1 मिनट में बाहर आ जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, पहले पैसे देने तो मुंह तोड़ दूंगी। अरे छोटा चेतन तेरी किस्मत ही खराब है यार। छी 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 छी, तोते के जैसा तुम्हारा हाल है, पूरे गांव में घूमता रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है, काम चोर कहीं का। इतनी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत फॉर्म में आता हूँ, लेकिन तुम्हारी गालियाँ सुनने के बाद हवा निकल जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मेरा बलून पंचर तो नहीं हो गया? टैबलेट भी हवा नहीं भर पा रही। अरे बॉबी सुन ना, जंग की तैयारी ही करता रहेगा या मैदान में भी उतरेगा? अब चाहे जो भी हो जाए, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना क्या सोच रहा है, युद्ध के लिए तैयार है ना? मैं तो युद्ध के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन मेरा राजा संधि करना चाहता है। तेरा राजा संधि करना चाहता है? तो तू जाके आराम कर, किसी काम का नहीं है। जो मैंने पैसे दिए उसका क्या? तूने जो नाटक किया उसे देखने के लिए वो पैसे मेरे हो गए, तू ना किसी काम का नहीं है। अरे बंदोबस्त हो गया, आजा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे तू नहीं, चलना अंदर आजा। अरे अरे
फिल्म देखने के लिए टिकट मैंने खरीदी और पूरी फिल्म ये देख रहा है। ओपनिंग तो अच्छी करने की सोचा था, लेकिन आंटी के साथ होगी ये नहीं सोचा था। सब तेरी वजह से, गद्दार कहीं का। भाई अब मुझसे ये भी नहीं खुल रहा है, तू खोल देना। कोई भी ढक्कन खोलना तेरे बस का नहीं है, ला इधर। वैसे ओपनिंग तो मेरी हुई यार, लड़की से ना सही आंटी से तो हो गई। हाँ चल रहने दे। ए, आंटी के साथ गोते लगाना और लड़की के साथ गोते लगाना, दोनों में अंतर क्या है? आंटी के साथ तो समंदर में गोते खाने का अनुभव हो रहा था, लेकिन वही लड़की के साथ होता तो बोतल के अंदर हाथ डालने जैसा रहता। आंटी के साथ समंदर के अंदर, कितना भी अंदर, कहीं पर भी घूम सकता है, कितनी भी गहराई में जा सकता है, लेकिन वही लड़की के साथ हो तो पता है क्या होता है? अंदर क्या बाहर आया, अंदर क्या बाहर आ गया, तुरंत जाके तुरंत आता है। सच कहूं तो वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। ए, हम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्राई करें क्या? अच्छा सुन, मेरी गर्लफ्रेंड तो मान जाएगी, तेरी गर्लफ्रेंड इसके लिए मानेगी क्या? अरे क्यों नहीं मानेगी, पहले तो उसे शादी करके उसे शराब के समंदर में नहलाऊंगा। वो इतनी जल्दी तेरे हाथ नहीं आने वाली है, मछली है वो, स्लिप कर जाएगी। उसके साथ बिल्कुल सही हुआ, पता है क्यों? मेरे बॉयफ्रेंड को सिक्स पैक है बोलकर बड़ा बिल्डअप दे रही थी, और अब देखो ऐसे सिक्स पैक का क्या फायदा, उसमें पावर नहीं है ये पता चलेगा तो बैठ के रोएगी। हाँ बेचारी, मुझे तो डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद पता चले कि उसमें पावर ही नहीं है, तो कहीं कोने में बैठकर आते जाते लड़कों को निहारना पड़ेगा। लेकिन तूने तो टेस्ट ड्राइव किया है ना? नहीं यार। नहीं किया? उसके साथ इतना सब होने के बावजूद भी तूने नहीं किया? सुन मेरी बात, मान ले तो टेस्ट ड्राइव कर ले। हॉर्स पावर, माइलेज, पिकअप, सब कुछ पहले टेस्ट कर ले। ये सब जरूरी है क्या? जाकर पहले टेस्ट ड्राइव ले ले। हाय दिव्या। हाय। कल मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया पता है ना? क्या कर रहे थे कल, क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, पहले तो उठा, फिर गिरा, फिर पानी झड़ गया, फिर उसे साफ करने में टाइम। तुमसे एक बात कहूं दिव्या, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? तुमने तो कहा था कि जो होगा शादी के बाद, तो चलो ना फटाफट शादी कर लेते हैं। नो 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 नो। क्यों? टेस्ट ड्राइव के बिना शादी नहीं करूंगी। टेस्ट ड्राइव? तभी तो तुम्हारी स्टैमिना पता चलेगी मुझे। स्टैमिना? हेलो, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं, बहुत सारे गोते लगाता हूँ मैं। मर्द वो नहीं जो सिर्फ बातें करते रहते हैं, करके दिखाओ, करके दिखाओ तो मानूंगी। दम है तो अपनी स्टैमिना दिखाओ मुझको। और स्टैमिना दिखाने के लिए एक अच्छी सी प्लेस भी देख लो। याद रखना, अगर 11 राउंड में पास हो गए तो 12वें राउंड में शादी पक्की। चल। हाथ हटा। कमाल है, ऐसे कैसे चैलेंज कर दिया उसने? स्टैमिना टेस्ट, लड़कियां आजकल बहुत ओपन हो गई है, हम लोगों को भी बताना पड़ेगा स्टैमिना क्या होता है। ओहो, दिखने में क्या लग रही थी वो, बोले तो एकदम कड़क और लाजवाब। वाह 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 वाह, अरे बहुत मजा आया यार, ऐसा एंजॉयमेंट तो अपनी लाइफ में मैंने नहीं किया यार। अगर किसी को स्वर्ग देखना हो तो एक बार वहाँ जरूर जाए। सच कह रहा है यार भैया। वो स्वर्ग कहाँ है भैया? वो स्वर्ग ना यहाँ से बस 5 किलोमीटर दूर है। हम अपना स्टेमिना टेस्ट करने के लिए वो जगह बुक करा लें क्या? कर लेते हैं ना। लास्ट टाइम मेरी टिकट पे तूने फिल्म देखी है, इस बार ऐसा कुछ भी मत करना, समझा ना? अबे तू टेंशन मत ले, हम लोग जिस फैक्ट्री पर जा रहे हैं ना, वहाँ तू देखना बॉल्स ही बॉल्स होंगे। ये कौन है यार, सिंगापुर का वॉचमैन है क्या? अरे यार इसके पास तो बहुत बड़ी गन है। अबे ये भी ना, क्यों बीच में खड़ा रहकर डिस्टर्ब कर रहा है? वैसे कब तक रुकना पड़ेगा? इसे जो चाहिए दे के हटाना यार। अरे भाई क्या चाहिए तुमको, ये कार चाहिए क्या, मेरे शूज चाहिए क्या, ये चेन चाहिए क्या, या फिर पैसे चाहिए? जो चाहिए वो बोलो यार। तुम लोग अपने गन्स निकालो। अरे हमारे पास गन कहाँ है यार।
क्या हम लोग नक्सलाइट्स हैं या हम कोई टेररिस्ट हैं? मैं पर्सनल गन की बात कर रहा हूँ, निकाल जल्दी। इस गन की बात नहीं कर रहा, वो इस गन की बात कर रहा है। अरे ये गन, इसी गन की। अरे लेकिन ये अपने इन गन्स को लेकर क्या करेगा? और नहीं तो क्या? तुम दोनों जल्दी अपनी गन चलाना शुरू करो। क्या चलाना होगा? चलाने का मतलब नहीं समझा तू? ऐसे नहीं चलाना है, ऐसे चलाना है। अरे बाप रे, ये चलाना होगा। हमारे गन चलाने से उसको क्या खुशी मिलेगी यार? ए, उसको क्या खुशी मिलेगी ये तो वही जाने। अगर हमें यहाँ से निकलना है ना तो ये जो कहेगा करना पड़ेगा। चलो चालू हो जाओ। अब तो खुश हो? एक राउंड और। एक और। अरे भाई अब खुश हो ना भाई। एक और राउंड। हमारे गन से गोलियां निकलने से आपको क्या खुशी? एक राउंड और। अब हमसे और नहीं होगा। चुपचाप चलाते रहोगे या मैं ये बंदूक चलाऊं? हाँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग अपनी बंदूक खुद चलाएंगे। एक राउंड और। अरे दुनिया में किसी भी गन में इतने से ज्यादा राउंड नहीं होते। देखो एक बार ट्राई करो। अरे भाई इस गन में इससे ज्यादा बुलेट्स कभी होती ही नहीं है। अब आपको 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही गन रीलोड होगी। एक मिनट रुको बहन भूमिका। इनकी सारी गोलियां मैंने हवा में उड़ा दी हैं। अब तुम बिल्कुल सेफ हो, कार में जा सकती हो। ठीक है। मेरी बहन को जो आगे ढाबा आएगा ना वहां उतार देना। अभी अपनी बहन को सेफ भेजने के लिए हमारी गन की सारी गोलियां निकलवा दी। ए, तुम लोग रोना बंद करो अभी, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। पता नहीं है कहाँ से मिल गया, किसकी शक्ल देगी सुबह सुबह पता नहीं। अब जो भी करना है मिला में ही करेंगे। हाँ यार। चलो बेबी बाहर आ जाओ। यही है हमारे स्टैमिना को दिखाने का मैदानी जंग। लेट्स गो बेबी। मजा आ जाएगा। ए बॉबी, ये देखना गमले का पैर बढ़ गया यार। हाँ पता नहीं यार ये कैसे हो गया। तू ही लेकर आया है ना। हर जरा पास से देखूं इसे। वाओ व्हाट अ रोमांटिक प्लेस। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत है। हाँ, सच में तुम्हारी तरह बिल्कुल। कम ऑन उषा, लेट्स चेक आवर रूम्स। कहीं फोटो देख के ही गन खाली ना हो जाए। ए कृष्णा, ये घर का मालिक कुछ ज्यादा ही रोमांटिक तो नहीं है? हमारी तरह बंगले का ओनर भी रोमांटिक हो? लगता है काफी गोते लगाए हैं उसने। हम लोग तो उससे भी ज्यादा लगाएंगे। ए, ये लाइट क्यों आ जा रही है यार? लगता है लाइट भी जोश में आ गई है। अरे कुछ होगा तो नहीं ना यार? अरे क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अंदर भूत होंगे तो उनके साथ भी एंजॉय करेंगे। डिंग डोंग डिंग डोंग। गर्लफ्रेंड के साथ कर, मेरे साथ नहीं। पलंग तो एकदम मस्त कड़क है। इस मैदानी जंग में मुझे अपना रंग दिखाना ही होगा। कम ऑन, अभी अभी तो आए हैं, थकान हो रही है, फ्रेश होकर आती हूं। अभी तुम्हें मेरा स्टैमिना देखना ही पड़ेगा। कृष्णा, तुम्हारी पूरी हरकतें कुत्तों की तरह हैं। कुत्तों की तरह हरकत? रोमांस में थोड़ा फील होना चाहिए बाबू। क्या हुआ भाई, काम किया या नहीं? काम? अरे काएगा, वो बोली ठहरो, थोड़ी देर बात करते हैं, अब देखते हैं।
अरे ये क्या हो रहा है यार, ये गमले के पैर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बता ना कौन सा पेड़ है ये? उखाड़ के बताऊं क्या? सफेद मूसली है क्या? रुक दिखाता हूँ, देख ले। वाइग्रा है? और क्या, उसी का तो ये कमाल है। सोच गमले का इतना बड़ा हो गया तो हमारा कितना बड़ा होगा, बोतल में घुस ही नहीं पाएगा। हम दोनों की स्टैमिना टेस्ट है ना, हम सबके रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सोचा था यूज होगी इसलिए लेके आ गया, क्योंकि एक दो टैबलेट से तो अपना काम नहीं होने वाला। ए, और नहीं तो क्या करेगा, ब्रेकफास्ट के बाद कंधे पर लेकर घूमेगा? देख तू मेरी तारीफ ज्यादा मत कर, ये मुझे दे। दिमाग ही नहीं है इसके पास। ये भी अच्छा तो चलो बेड पे चलते, अगर इतनी चढ़ी है तो। कृष्णा तुम्हें रोमांस का मतलब पता भी है? अरे सेक्सी तो है, लाइट्स ऑफ करके आंखें बंद करके कर लो। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। यू नो व्हाट, रोमांस इज एन इमोशन, सेक्स इज अ सब्जेक्ट। सेक्स के सब्जेक्ट को इमोशन से फील करके रोमांस करना चाहिए। ऐसे बहुत सी डील्स हमने देखी हैं डीवीडी में। दैट वाज फिजिकल थिंग कृष्णा, फीलिंग्स के बिना जो सेक्स करते हैं जानवर होते हैं, जो इमोशंस के साथ सेक्स करते हैं वो इंसान होते हैं। कहाँ जा रहे हो? जो फीलिंग्स और इमोशंस बोल रही हो वो लेकर आता हूँ। व्हाट? ए भाई मुझे थोड़ी फीलिंग्स और थोड़े इमोशंस चाहिए, देगा क्या? क्या रे? अरे तू लेकर आया ना इतना बड़ा गमला, उसके अंदर जो छोटे छोटे थे जो खाने के बाद बड़ा बड़ा हो जाता है वो। अच्छा वो? ये ले 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 ले, ये फीलिंग, फीलिंग्स, ये इमोशन। ए दिव्या, मजा तो बहुत आया। ए बॉबे मैं तो पास हो गया। मैं भी हो गया भाई। अरे तेरा तो पूरा भीग गया। तेरा भी भीग गया। आज तो पलंग तोड़ काम किया, अपनी हीरोइन कहाँ है? और नहीं तो क्या यार, बाहर बैठ के पेपर पढ़ रही है। अरे तो चल रहा है यार। हाय बेब्स। हाय, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आर यू ओके? अरे वाह, आर यू ओके पूछ रही है? ओके पूछ रही। डबल ओके, डबल ओके। कम डाउन। या कमिंग, कम डाउन। How was the night, baby? तू वाइग्रा की गोली लाया लेकिन खट्टी मिट्टी गोली निकली, लगता है काम नहीं हुआ। अबे बकवास मत कर, गमले का देख कितना बड़ा हो गया था। अभी हम लोग किसी तरह अपने आप को मैनेज करते हैं। ओके। एक्चुअली बेबी इट्स ओके, वी विल मैनेज नेक्स्ट टाइम। या अभी दो दिन बाकी है ना, परफॉर्मेंस में कमी नहीं होगी। कृष्णा, बॉबी, व्हाट इज दिस? Disgusting. Why these guys are doing like this? रात में रोमांस करने के लिए हमने कॉपरेट नहीं किया तो अभी हमारे इंसल्ट कर रहे हैं। कॉपरेट नहीं किया यानी रात भर हम लोग सेल्फ सर्विस दे रहे थे। अरे
एक उम्र हो जाने के बाद इंसान को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो ना कर... AK-47 यहाँ पे रखकर इस घटिया डॉक्टर की बात सुनने की क्या जरूरत है? सब लोग अपना ओन जॉब कर रहे हैं, तुम जरूरत की बात नहीं करो तो अच्छा है। ओन जॉब, ये तुम क्या बोल रही हो दिव्या? अकेले में जो भी करो मुझे क्या, लेकिन मेरे जैसे सेक्सी फिगर साथ में होते हुए भी। ओह, उसके बारे में पता नहीं, अंदर की एक फीलिंग से अपने अंदर की तड़प को बाहर ला देती है दिव्या। बगल में इतनी अच्छी फिगर बैठी हो तो कौन गधा अपना ओन जॉब करेगा? पर तुमने तो किया ना। वो क्या है ना, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हाँ, ये खूबसूरती देखो, ये लिप्स तो देखो, ये गर्दन देखो, अपनी कमर देखो। इतनी देर से डायलॉग्स ही बोलते जा रहे हो पर कुछ करते नहीं हो। हाँ, करता हूँ ना, करता हूँ, करता हूँ। दूल्हा घोड़ी चल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। पक्का? कहा ना तुम्हें, यहाँ पर मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे वाह, क्या बात है। अरे इस घोड़ी को मैं पूरे शहर में घुमाऊंगा। कुछ नहीं। आओ, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ बे, चौंक क्यों रहा है? वो ऊपर है ना, ऊपर, वहां उस रूम में ऊपर भूत है। बॉबी, अरे बॉबी, अरे कहाँ है तू? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे भी भूत नजर आया। अभी तक तो तू ठीक था ना? अरे वो तो मैं तेरे सामने नाटक कर रहा था, तूने भूत का नाम लिया तो मेरी पैट गीली हो गई। अरे कितना डरेगा यार। What happened? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है, तुम दोनों इतने अच्छे से तैयार होकर कहाँ जा रही हो? शॉपिंग के लिए, कार की चाबी दो। ओन ड्राइविंग करोगी? लोग यहाँ खुद ओन जॉब कर रहे हैं ना, तो अगर मैं ओन ड्राइविंग कर लूँ तो गलत क्या है? मतलब हमारे बिना ही तुम ओन ड्राइविंग कर सकती हो क्या? हेलो, तुम्हें ओन ड्राइविंग करने के लिए 5 fingers चाहिए और हमें ओन ड्राइविंग करने के लिए सिंगल फिंगर चाहिए। ठीक है यार, जाने दे, हमारी ये फिंगर थी ना, ओन ड्राइविंग करनी है बोलकर फिंगर भी दिखा दिया हमको। इन सब के पीछे भूत है, उसको छोड़। इस विला में हमने जो अंदर देखा वो सच में भूत है क्या, या हो सकता है ये हमारा वहम हो? पता नहीं यार। एक काम करते हैं, तू वहाँ पर ढूंढ, मैं यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है।
देखूं कहीं यहाँ तो नहीं। भी नहीं है भाई, लगता है वो वापस चली गई। उसका ठिकाना यहाँ पर नहीं होगा, किसी और जगह हो सकता है। क्या यार? अच्छा तो तू है। भूत के नाम से हमको डर लग रहा है, इसलिए हम डर रहे हैं। वैसे इस घर में भूत वूत तो कुछ है ही नहीं, और अगर भूत है तो हम लोग उससे मिलकर थोड़ी दोस्ती बढ़ाएंगे। अगर भूतनी के साथ एक राउंड हो जाए तो मजा आ जाए। चुप कर, अजीब सपने देख रहा है। राउंड बेउंड सब बाद में कर लेना। अबे क्या शर्मा रहा है। लड़की हंस रही है यार। अबे ये फोटो में हंस रही है, लेकिन आवाज तो कहीं और से आ रही है। बाप रे, बच गए यार। लगता है फिर से हम लोग कोई गलती कर रहे हैं। क्या यार, वो भूतनी क्या कर रही है? हमको देखकर हंस रही है, मतलब वो हमको लाइन दे रही है। तुम पर फिदा हो गई है क्या? अरे पूरी तरह से फिदा हो गई है यार। तू तो उसके साथ कुछ करने वाला है नहीं, कम से कम मुझे तो करने दे। करूंगा, एकदम अच्छी तरह से पूरा करूंगा। इतना अच्छे से करूंगा ना। भूतनी जी, पहले वो क्या है ना, मुझे एक्सपीरियंस है, और ये तो अभी लर्निंग पे चल रहा। पहले मुझे चांस दो, मजा आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है ना, आप हमें देख के मुस्कुरा रही हैं, मतलब हम पे आप फिदा हो गई हैं। और नहीं तो क्या, ज्यादा हैंडसम मैं ही तो हूँ ना। अरे मैं क्यों आपको देखकर हंसूंगी, ये कॉलिंग बेल है और आप मुझे समझ रहे थे। मैं रंगाराव की भांजी यहाँ पे काम करती हूँ। भाई काम वाली है। काम वाली है। ओ। अबे काम वाली को टेस्ट करके देखें क्या? तेरी टेस्ट पे थू। अरे भूत कहाँ है, कहाँ है मेरी भूतनी? आजा, कहाँ है? आजा सामने आ। अरे भूत कहाँ है? वहाँ पर। अरे मुंह बंद करो। चुप चुप, वो भूतनी नहीं काम वाली है। अच्छा काम वाली है। भूतनी समझ के मैं कितना एक्साइटेड हो रहा था। एक बात बताओ, भूतनी के नाम पे इतना एक्साइटमेंट क्यों? अच्छा ये बताओ, शॉपिंग क्या किया आप लोगों ने? रुको, तुम्हें ही तो दिखाना है। फूल बिछा दो, चकनाचूर करेंगे। एसी फुल कूल कर दो,
मेरी बॉडी बहुत गर्म है। पूरे रूम में स्प्रे कर दो, नशे की खुशबू आनी चाहिए। 2 मिनट में वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है, सारा काम मेरा है। तेरा काम सिर्फ बाथरूम के अंदर ही है। हाँ, आज फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा। कम से कम तू तो खुश होगी, लेकिन असल में ये मर्द ही नहीं है। छी, कम। ए बॉबी, तेरी भी लग गई क्या? हालत खराब कर दी। अरे बाप रे। दिव्या। सुनो ना। दिव्या। अरे सुनो तो। दिव्या। प्लीज दिव्या, एक बार मेरी बात तो सुन लो। ओ, अब सब समझ गई। 25 गर्लफ्रेंड थी, लेकिन किसी के साथ सेट क्यों नहीं हो पाए? कुछ कर ही नहीं पाए होंगे, इसीलिए छोड़ के चली गई। तो मुझे गलत समझ रही हो दिव्या? अब जाके सही समझ रही हूँ तुम्हें। शादी नहीं हो रही तो सोचा मुझे फंसा कर जल्दी शादी कर लोगे। शादी के बाद भी चुपचाप बैठी रहूंगी, यही सोचा था ना? एक मिनट दिव्या, मेरी एक बार बात तो सुन लो प्लीज। प्लीज दिव्या, प्लीज। मेरे साथ सोने के बाद खुद को मर्द साबित करो, उसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। दिव्या, इसने गलती की वो बोल रही है, मैंने गलती की ये तुम कह रही हो, लेकिन गलती क्या है ये कम से कम बता कर तो जाओ। सब तुम्हारी गलती है कृष्णा, सब तुम्हारी ही गलती है। बस कृष्णा, अब तक तुम लोगों ने ओन जॉब कर करके हमारी इतनी इंसल्ट की है जितनी कभी नहीं हुई, बंद कर दो प्लीज। हम लोगों ने क्या इंसल्ट किया है? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है, इस विला में मैं जिस तरह से आई थी उसी तरह से वापस जा रही हूँ। वो सपने, ख्वाहिशें, सब के सब अधूरे रह गए। तुम हर वक्त कुछ करना चाहते हो लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते हो। अरे हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना। चुप करो, 100 बार तुमने कोशिश की है, आज तक कुछ कर पाए हो? नहीं हो रहा है तुमसे, तुम नहीं कर सकते बॉबी। अगर किसी इंसान की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो दर्द होता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो किसी से शेयर करो, लेकिन ऐसे ओन जॉब करना कोई सॉल्यूशन नहीं है कृष्णा। और तुम्हारी
पूरी लाइफ अब बाथरूम में ही जाने वाली है। अरे हमसे बात तो करो कृष्णा, मेरी तरफ देखो तो सही, मेरे फिगर को देखकर अट्रैक्ट हो मुझ पर कमेंट करो। दिव्या, तुम्हारी फिगर की तो हमेशा मैं ही तारीफ करता था ना? हाँ करते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, आखिर में ओन जॉब भी तो करते हो तुम। यहाँ हाथ लगाते हो, यहाँ लगाते हो, सब जगह हाथ लगाते हो, आखिर में क्या करते हो? ओन जॉब करते हो। तुम जानते हो हम क्या चाहते हैं? तुम पर कूद कर बैठ कर कपड़े फाड़ कर दिन रात रोमांस करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। कृष्णा, बॉबी, कृष्णा, दिव्या, इस घर के अंदर भूत है और तुम्हें पता है वो भूतनी अपनी मर्जी से हमसे रोमांस करती है और टॉर्चर भी कर रही है, और अभी भी वो भूतनी तुम्हारे पीछे बैठी है दिव्या। ऐसे भूतनी की बातें करके तुम सब कुछ यूं ही टालना चाहते हो, मैं जानती हूँ कृष्णा। कम से कम अब तो बता दो, तुम कुछ करोगे या हमें खुद कुछ करना होगा? अरे पागलो, बकवास बंद करो, वो भूतनी तुम लोग के पीछे है। खत्म कर दूंगी तुम्हें। हमें हमारी गर्लफ्रेंड के पास जाने दो, हम उनके बिना नहीं रह सकते। यहाँ से कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जो एक बार यहाँ आ गया वापस नहीं जा सकता, समझ गए ना? तुम सबको मैं यही एक 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 करके इसी घर की मिट्टी में दफन कर दूंगी। टेक अ ब्रेक। या, हमको ब्रेक मिल रहा है? तुझे नहीं रे। इन देखने वालों को बॉबे मर गया रे। मर गया, मर गया। अरे बाप रे, क्या करूं? शरीर का सारा प्रोटीन ही निकल गया। दिव्या, दिव्या, कृष्णा, दिव्या, आर यू ओके? नॉट ओके। इस हालत में अभी देखने के बाद तुम पूछ रही हो आर यू ओके? मजाक उड़ा रही हो मेरा? मतलब रात भर तुम लोग भूतनी के साथ ऑलमोस्ट 12 राउंड हो गए? क्या स्टैमिना है कृष्णा तुम्हारी, तुम टेस्ट ड्राइव में डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गए। तुम्हें टेस्ट की पड़ी है या मेरी बैंड बजी हुई है? छोड़ो ना कृष्णा, हम शादी कर लेते हैं, तुम्हारी स्टैमिना से आई एम इम्प्रेस्ड। अरे बाहर जाने की बात करोगी तो वो फिर से हमें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएगी। अबे ऐसी बात मत बोल, उसने तो हमारा पूरा रसी चूस लिया है। अभी हमसे नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। आइडिया, मैं एक सीनियर डॉक्टर को जानती हूँ, उन्होंने मेडिसिन के अलावा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रिसर्च किया है। I think she is the best possibility. और जल्दी से उसे कॉल करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हेलो, हेलो, हेलो,
हाय 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 हाय। मैंने सोचा था भूत पकड़ने वाला कोई अघोरी बाबा आएगा। मैडम मुझे अपना चेला बना लो। अच्छा किया। तुम बॉबी हो क्या? Yeah, it's me. Love you too. कार में लगेज है, लेकर आ जाओ। अबे लगेज लाने को बोल। अबे लेके आ चल, और कुछ ढापना मत। Okay, it's okay. वैसे मैडम जी, ये क्या है? Ghost Reda. आत्मा को हमारी दुनिया से कनेक्ट कराती है और उनकी बात को हम तक पहुंचाती है। ये उसका उपयोग करने वाला ट्रांसमीटर है। ओहो। अबे वो बीच में बॉलीवुड एक्टर मरा था ना, तो उसकी आत्मा से कुछ लोग बात कर रहे थे, तो ये वैसा ही कुछ है। ऐसा क्या? मैडम मेरी नानी मर गई है, बुलाइए ना, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट गेट पैनिक, जस्ट बी विद मी। आत्मा को ज्यादा ही इमोशनल हर्ट हुई है, इसीलिए तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। ये क्यों और किस लिए पता लगाना होगा। पता तो लग जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। भूत का काम तो लोगों को डराना होता है, रेप करना थोड़ी होता है। और अगर करना था तो हमारे साथ ही, हम ही मिले उसको। मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर एक डाउट है। मुझ पर? मैंने क्या किया? अरे तुम्हारी बेकार हिस्ट्री किसी को पता चलेगी ना, तो तुम्हारे ऊपर ही डाउट होगा। बात तो सही है। ए, तुम्हारी 25 गर्लफ्रेंड्स थी ना, बताओ किसे टॉर्चर किया था। आज वही लड़की मर कर तुम्हें टॉर्चर कर रही है। मुझे? और नहीं तो क्या, उसे पूरी दुनिया में तुम ही मिले क्या? अरे दिव्या, क्या बोल रही हो तुम? ए, खड़े हो जाओ, चलो फोन निकालो, फोन निकालो, फोन निकालो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड में से कौन मरी है जरा देखते हैं। चलो चलो, सबको फोन करो, करो फोन करो। कर रहा हूं। एक मिनट, कर रहा हूं ना। दरअसल उस समय मैं आंटियों के साथ। छे, अगली कौन है? ए, मैं अपने पति के साथ हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, कुछ अर्जेंट तो नहीं है ना? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसको भी करो। फिर से ट्राई करता हूं।
मतलब यही है, यही मर गई होगी। बहुत टॉर्चर कर रहे थे ना तुम उसे? बताओ अपनी लव स्टोरी बताओ उसके साथ। अबे मुझे क्यों मार रहा है? इसलिए कहता हूँ कि कहीं पर भी पेशाब नहीं करनी चाहिए। उस दिन वहाँ पर किया इसलिए यहाँ पर आज भुगतना पड़ रहा है। तुझसे अच्छी तो मेरी गर्लफ्रेंड है, धीरे से तो मारती है। जानू दिव्या, उस दिन क्या हुआ था ना, वो वहाँ पर खड़े होकर पेशाब कर रहा था और मैं अपने मुंह में ले रहा था आइसक्रीम, और जैसे ही बॉबी का पेशाब करके हो गया, मर गया। क्या हुआ यार? सांप ने काट लिया। अरे बता सांप ने कहाँ पर काटा है, बता ना, बोल जल्दी, खून चूसना पड़ेगा। यहाँ पे। अबे उधर काटा। अबे मुझे बचा लेना यार, चूस के निकाल दे। अबे चुप बैठ यार, उधर चूसना हमारे खानदान में नहीं है। ए, मुझे चक्कर आ रहा है। ए, मैं अपनी जान पे खेल कर तुझे बचाऊंगा, तू फिक्र मत कर, आ जा अंदर चल, कुछ ना कुछ तो करते हैं। तू कैसा मेरा दोस्त है यार, मेरी जान बचाने के लिए चूस नहीं सकता है। अबे रास्ता छोड़ो, मेरे दोस्त को सांप ने प्राइवेट जगह काटा है। भाई थोड़ा सा चूस ले। ए, तू बिल्कुल फिक्र मत कर यार, तेरा कटवा के भी तुझे बचाऊंगा। अबे यही तो मर्द की मर्दानगी होती है, तू इसे कटवाना चाहता है कभी ना कहीं का। इमरजेंसी मैडम, इमरजेंसी है मैडम, मैडम इमरजेंसी। ये तो एकदम हट्टा कट्टा दिख रहा है, क्या बीमारी है इसे? मेरे दोस्त को एक बड़े ऐसे सांप ने यहाँ पर काट लिया। इतने बड़े सांप ने इतनी छोटी जगह पे काटा कैसे? अब काटते समय सांप को थोड़ी पता है कि ये कौन सी जगह है मैडम। लगता है बच्चे की अभी शादी नहीं हुई है। हाँ नहीं हुई है, तुझे करना है क्या? आजा कर ले, आजा 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 करते। कितनी खुश हो रही है बुढ़िया। हे, मेरी अंडरवियर पूरे शहर को दिखाएगा क्या? वैसे भी ये बुढ़िया यहाँ खड़ी होकर ललचा रही है, अगर इसने मुझे अंडरवियर में देख लिया ना तो मेरे साथ यहीं पे ढिंक चिक्का करने लगेगी। मैडम खुद से तेरा पर्सनली देख रही है। कूल कूल रिलैक्स, नथिंग टू वरी, कुछ भी सीरियस नहीं है, टेंशन मत लो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके दोस्त को सांप ने नहीं काटा बल्कि कोई कांटा चुभ गया है। कांटा? बेकार में डर रहा था मैं। एंटीसेप्टिक दे दिया है, सांप के डर से ये घबरा गए थे, घबराहट की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। एक दो दिन रेस्ट कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। टेक केयर। थैंक यू मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ कृष्णा जी, आइए बैठिए ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है। आप इतना पर्सनली टेक केयर करती हैं कि कैंसर पेशेंट भी तुरंत ठीक हो जाएगा। ये तो मामूली सांप ने काटा है, वो तो ठीक होना ही था। वैसे हमारे लिए आपने जो पर्सनली ट्रीट किया है उसके लिए थैंक्स कहना चाह रहा हूँ मैडम। पर्सनल ट्रीटमेंट का क्या मतलब? मैं हर पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ।
अबे ये बोल रही है तेरे जैसे गधों को ऐसे ही ट्रीट करती है, ज्यादा खुश मत हो। हम लोग कुछ अलग टाइप के गधे हैं ना, इसलिए शायद ऐसा बोला होगा। अच्छा, बहुत होशियार है रे तू। ए, चल चलते हैं ना। मैम, भाई कंट्रोल करना, कूल, एवरीथिंग इज थैंक यू मैम, थोड़ा सब्र को। मैडम जी, आपसे एक बात बोलनी थी। पर्सनल बात छोड़कर कुछ भी बात कर सकते हो। क्या है ना, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या भौंक रहा है? तुम जैसे लोगों को मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? मुझे प्रपोज करने के ठीक पहले मुझसे बात करने आई नर्स को तुम किस तरह से देख रहे थे मैंने देखा सब। तुम जैसे लोगों को मैं एक्सेप्ट करूंगी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हेलो मैडम जी, खूबसूरत लड़कियों को देखना कोई गलत बात नहीं है, उसे महसूस करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती को गलत तरीके से अनुभव करना गलत बात है। अपने हाथों से उनको तकलीफ देना गलत बात है। वो क्या है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में रख के उससे ये कहें कि तुम्हारी आंखें सही है, तुम्हारे होंठ सही है, तुम्हारे बाल सही है, ऐसा बोलने वाला लड़का नहीं हूं मैं। आज तक मेरी आंखों के सामने से बहुत सी लड़कियां आई और चली गईं, लेकिन आप एक ऐसी लड़की हो जो सीधे मेरे दिल में समा गई और दिल में जगह बना ली। अब सोचता हूं कि दिल में बसकर मेरे दिल की धड़कन सुनोगी, इसलिए आपको प्रपोज कर रहा हूं। ओके, गुड बाय। बाय। मैं जाके आता हूँ। हाँ, अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरी 23 गर्लफ्रेंड से मिलकर बात कर लेना, क्लैरिटी आ जाएगी और समझने में आसानी होगी। सोच लो मैंने तुमसे प्यार कर लिया। तो अब क्या करोगे? अच्छी बात है, उस कांटे की वजह से इस हॉस्पिटल में आना जाना तो लगा है। ये रही नर्स, क्या बात है, आज तो कमाल लग रही है। कृष्णा, माना कि हम दोनों लवर्स हैं, तो क्या हॉस्पिटल में ये सब? अरे तुमने मुझे मारा क्यों? मैं ही तो हूँ। फिर से अगर यहाँ हॉस्पिटल में आकर इस तरह के हरकत की ना, तो तुम्हारा काट कर फेंक दूंगी। बात सुन, पहले वहाँ से हाथ हटा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें देखने के बाद मेरे अंदर ज्वालामुखी फूटने लगता है, बस एक बार चांस देके देखो ना, मजा आ जाएगा। यहाँ पर दैया रे दैया, मुझे शर्म आ रही है। अभी तुम्हें शर्म आ रही है, जब मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी तब शर्म नहीं आई। ए कृष्णा, क्या कर रहे हो? इसे रोमांस कहते हैं। कोई देख लेगा, हॉस्पिटल में जाएगा, मुझे जाना होगा। अरे अरे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। केस अटेंड करके आती हूँ, कैंटीन में वेट करो। ओके। अरे यार ये लड़कियां भी ना जरा भी समझ में नहीं आती। तू यहीं पे रुक, मैं अभी आता हूं। अब
अरे वाह क्या बात है, तो कमाल कर दिया। आए हाय आए हाय, अब मेरी बारी। ये कौन है? कोई भी हो, मुझे क्या लेने देना, मुझे तो अपना काम करना है, कर देती हूँ। सो जा राजा। राजा उठ जा, अरे उठ जा, अरे उठ जा राजा, उठ जा। ए राजा ने चांस मिस कर दिया। ये टेबलेट कुछ दिन तक लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अब मुझे राउंड्स के लिए जाना है। उदास क्यों लग रही हो, थोड़ा कोऑपरेट करो ना मुझे। हर समय तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुम्हारी सारी हरकतों का पता चल गया है मुझे, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो देखा मैंने। बाकी मर्दों की तरह ही तुमने भी अपनी गंदी सोच दिखा दी। बिल्कुल, हम मर्द हैं, जो चाहे करेंगे, लेकिन हमारी लवर किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अरे ओ बेवकूफ, एक बात कह रही हूँ, कान खोल कर सुन ले। तुम जैसे लड़के ना ऐसे ही होते हैं, 10, 20, 25, 50, 100 के साथ तुम लोग ऐश करते हो, लेकिन दिल में क्या ख्वाहिश होती है? फ्रेश वर्जिन लड़की चाहिए जिसे की शादी कर लो। पर जिससे शादी करोगे वो लड़की कौन होगी? एक बात जान लो, तुमने जो 10, 15, 25 के साथ ऐश किया है उनमें से ही एक होगी, उनको ही फ्रेश समझकर शादी कर लेते हो, और ये लड़की उनमें से ही एक है ये बात कल को पता चल गई। तो फिर तुम क्या करोगे? खुशी खुशी उसे छोड़ दोगे या फिर एडजस्ट करके जियोगे? तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम एक चुटकी बजाओगे तो 100 लड़कियां आकर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारे चुटकी बजाने से तुम्हारी ये ढलती उम्र देख कर ना कोई भी नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है तो जरा खुद सोचो, हम तुम्हें घुमाते हैं तो हम में कितनी अकड़ होगी? तुम कितनी भी अपनी मर्जी चला लो, एक मिनट में तुम्हें सबक सिखा सकते हैं। और अगर हम लड़कियां चाहें ना तो तुम लोगों की जिंदगी एक मिनट में नरक बना सकते हैं। तुम कितनी देर तक वर्कआउट कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक या 6 मिनट तक। पर अगर हमने मुंह खोल दिया ना तो हमारे सामने टिक नहीं पाओगे, सारी वर्कआउट धरी की धरी रह जाएगी। हमारी ख्वाहिश पूरी करोगे? ये जो 5-10 मिनट का वर्कआउट करते हो ऐसे दिखाते हो जैसे जंग ही जीत गए। उसमें भी हम लड़कियां प्यार ढूंढने की कोशिश करती रहती हैं और तुम लोग सिर्फ गंदगी ढूंढते हो। तुम लोग तो कहीं भी कोई भी लड़की देख लोगे ना तो सिर्फ सेक्सुअली इमेजिन करते हो, इतनी घटिया सोच होती है तुम्हारी। फिल्म देखने जाते हो उसके अंदर हीरोइन से लेकर रोड पर चलने वाली लड़की को भी नहीं छोड़ते हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए सेक्सुअल इमेजिन करते हो। सोचा है कितनी गिरी हुई बात है? शर्म नहीं आती? एक बात ध्यान से सुन, एक औरत एक बार में 2 मर्दों को हैंडल कर सकती है। तू बता, एक मर्द एक बार में 2 लड़कियों को हैंडल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। फक ऑफ यू इडियट, फिर से नजर आए ना तो काट के फेंक दूंगा। उसके दिल में जो भी आया वो मुंह से बककर ब्रेकअप करके चली गई। अब इसमें मैं क्या कर सकता था? देखो वो खुद ही फोन कर रही है। क्यों रे, इतने दिनों के बाद फोन किया, अभी तक सुधरा कि नहीं सुधरा? खैर तू सुधरे या ना सुधरे कोई फायदा नहीं, मैं किसी से शादी करके सेटल हो चुकी हूँ। ऐसी बात है? तो फिर वो भूतनी कौन है? बाबू आप तो यस, मैं जो कुछ भी हूं पर मैं शेर खान नहीं हूं, तुर्रम खान हूं। खामोश,
हाथों से ही करने के लिए आया हूँ। 100 से कम बिल्कुल मत भेजना, उन सबको उखाड़ फेंकूंगा। ओसानी मैडम, आप नीचे क्यों आ रही हैं? आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन पोसानी जी, मैं जो बोल रही हूं, मैडम, मैं कभी भी कोई भी कुछ बोलता है उसकी बात सुनता हूँ क्या? आप जाइए ना, जो करना है कर और मर। हेलो ट्रम्प कार्ड्स, मैडम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है कुछ पता है? मेरी बॉडी के अंदर एक आत्मा को प्रवेश करवा के पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब तक न जाने कितनी आत्माओं को मैं अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करवा चुका हूँ। इस बॉडी में हर तरह के भूत को झेलने की फुल कैपेसिटी है, कुंग फू बॉडी। बाहर कार के अंदर मेरा लगेज रखा हुआ है, वो लेके आ जाओ। ठीक है साहब। अरे वाह, ये क्या चाय है, एकदम अमृत की तरह। सुपर है, इस चाय में आखिर कौन सा दूध डाला है? ए, कब क्या चीज मुंह में लेना चाहिए तुम्हें नहीं पता है? चलो अंदर, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ, ये मेरी बॉडी को अचानक क्या हो गया? तेरी बॉडी को कुछ नहीं हुआ है, बस वो खड़ा हो गया है। अरे बाबा, ये तो एकदम तोप की तरह नजर आ रहा है। लाइफ में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ। सही कहा, इस विला का यही तो प्रॉब्लम है। अरे पर मेरी क्या हालत कर दी है? शुरू करो। अरे क्या शुरू करें? अबे देख, शुरुआत भी हो गई। देखना, लगता है ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। लगता है एक ही राउंड हुआ है। बहुत ही अद्भुत रहा, लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी नहीं लिया। इसके लिए इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? एक। हाँ, एक ही, एक और हो जाने दो, आई एम ओके। मेरी बॉडी में फुल कैपेसिटी है, जो दिल में आएगा वो करेंगे हम। 100 बार भी रेडी है हम। अब नहीं बचेगा। दो राजा, बस थोड़ी सी तकलीफ है पर कोई गम नहीं है। मुड़ के देख। बहुत सख्त है, बहुत तकलीफ है भाई। ऐसा अद्भुत नजारा मैंने कभी नहीं देखा। सब कुछ खत्म हो गया। ए शेर खान, 100 और भेजने हैं तो वो भी भेज। शाबाश, जो भी था सब खत्म हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। रे इस तरह हर रोज मेरी इज्जत लूटी जा रही है। अरे बाप रे, उस भूतनी को सिर्फ मैं ही पसंद आया क्या? ये लोग पसंद नहीं आए उसको? मेरी बॉडी है क्या, उनकी बॉडी नहीं है क्या? आज चाहे कुछ भी हो जाए, उस भूतनी को बॉटल की बलि चढ़ना ही होगा। देखना आज उनकी बैंड जबरदस्त बजेगी। मैं चाहता हूँ कि उनकी खुशियाँ छिन जाए। मैंने जो नर्क देखा है ना, उसका अनुभव उन्हें भी होना चाहिए। आइडिया क्या? सुनिए मालिक, मैं दूध वाली को लेकर आई हूँ, जितना दूध लेना है ले लीजिए। ठीक है, जाओ तुम बर्तन लेकर आओ। ठीक है मालिक। लगता है ये एकदम फ्रेश मिल्क की तरह है। सुनो, दूध फ्रेश तो है ना? हाँ एकदम फ्रेश है, अभी अभी निकाल कर लाई हूँ। ये लो, पैसे पकड़ो। अरे रुको, भूल ही गया,
बॉबी को भी आधा लीटर चाहिए। अरे काम वाले बर्तन लेकर आओ। अच्छा तुझे एक लीटर और मुझे आधा लीटर, मुझे तो और चाहिए। ले लेना यार। दो लीटर दो लीटर। क्या बात है, ये दूसरा टिंगू भी बहुत कमाल का है। ये भी रख लो ना। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाफ लीटर बोल के पूरी फैमिली के लिए फुल पैकेज दूध ले रहा है। Something is fishy. मुझे भी हाफ लीटर दूध चाहिए। काम वाली मेरे लिए भी बर्तन लेकर आना। एक दो तीन चार। ये लो रख लो। अरे पूरे रख लो। नेशनल बैंक फेल है, इंटरनेशनल बैंक भी फेल है, इस बैंक की कैपेसिटी तगड़ी है। अरे रुको 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 रुको, आधा लीटर दूध मुझे और चाहिए। और हाँ तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। तुम्हारे पास दूध रखने के लिए बर्तन होंगे पर मेरे पास पैसे रखने के लिए जगह नहीं है, मैं जाती हूँ। दूध पिला रही है तू? बहुत थक गए होगे ना, इसलिए आपके लिए स्पेशल दूध लेकर आई हूँ। ठीक है, आज रात तो जागरण होगा, जागरण होगा, जागरण होगा, जागरण होगा, जागरण। अरे रात को क्यों? ये दूध पीने के बाद तुम्हारा जागरण अभी से शुरू हो जाएगा। अरे सुब्बा रेड्डी जी, इतनी ज्यादा रेट क्यों बोल रहे हो? हाँ ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। ये क्या हो रहा है? इतनी छोटी सी चुहिया मेरी तरफ देख रही है या दूध की तरफ देख रही है? तुझे भी दूध चाहिए क्या? चाहिए क्या? पावर आ जाए इसलिए मैंने दूध के अंदर वायग्रा मिला दिया। अरे बाप रे, अपनी खुशी के लिए तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गधे और इंसान में थोड़ा तो फर्क समझना चाहिए था। Thank you.
वन प्लस वन कितना? टू. वन प्लस वन. ओनली वन. ओनली वन. ठीक है. गुरुजी बहुत एनर्जी में लग रहे हो. अरे अभी देखा ही क्या राजा. मैं एड फिल्म मेकर था ना तब. ऐसी डार्लिंग्स के साथ इतना फास्ट किया करता था. आप एड मेकर थे क्या? तो और क्या समझ रखा है तूने? मैडम मुझे अपने अंदर आत्मा डालने वाला इंसान समझती है. एड फिल्म मेकर के तौर पर मेरी रेपुटेशन बहुत हाई है. कम ऑन माय क्रिएटिव डायरेक्टर मिस्टर पोसानी कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर. नमस्कार. नमस्कार जी. अपना प्रोजेक्ट जल्दी से इनको दिखाइए. ऐसा एड बनाएंगे कि आपका दिमाग एकदम से घूमने लग जाएगा. अरे क्या बात है. पापा हैं? निकाल दूं क्या? निकाल दे. निकाल दे बेटा अपनी गोली. निकाल दे. क्यों शर्मा रहा है? गोली सोडा हमारा प्रोडक्ट झंडू गोली सोडा. ये छोटी छोटी गलियों में बहुत फेमस है. बहुत फेमस है. सोडे की हवा निकलते ही गोली इधर उधर घूमती रहनी चाहिए. गोली अगर लटक कर घूम रही है ना तो गोली सोडा लेते ही दिल में उमंग जाग जानी चाहिए. हमारी गोली को हर एक इंसान के मुंह के अंदर होना चाहिए. सुपर राजा. सुपर राजा. जब मैं छोटा था ना तब मैंने देखा था. क्या देखा था? इतनी छोटी गोलियां खेलने वाली देखी है. तो सुनिए अब मैं इस गोली से ऐसा एड बनाऊंगा ना कि वो एड देखने के बाद हर कोई खड़ा होकर बजाता रहेगा खूब धनाधन. क्या बजाता रहेगा? अरे बोलो ना. अरे तालियां तालियां तालियां. आज के बाद हर कोई मुंह में रख लेगा तुम्हारा गोली सोडा को. गोली सोडा. फिर आज से मैं अपनी गोली तुम्हारे हाथ में ले रहा हूँ. और आज के बाद से हम तुम्हारी गोलियों को खुद की गोलियों की तरह देखेंगे. अरे यार अब गोली की चर्चा बंद करो. क्या? अरे आपने हमारे हाथ में दे दिया. टेंशन फ्री हो जाओ. क्या भाई बहुत बड़े तोप हो. तुम भी पियो. सच में मैं भी पियूं? पीने के बाद तुम देखना इसका कमाल क्या होता है. ये क्या है? इतना घटिया एड देखने के बाद कोई भी माँ अपने बच्चों को हमारा गोली छोटा पीने देगी क्या? बताओ. हाँ मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी साफ सुथरी गोली तुम्हारे हाथ में रखी थी और तुमने हमारी गोली को अपवित्र कर दिया. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आपकी गोलियाँ बिल्कुल भी अपवित्र नहीं हुई है. नहीं किया. दोबारा गोलियाँ हमें हाथ में दीजिए. हाँ नहीं देंगे. देखिए अब की बार हम बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध एड बनाएंगे. प्रॉमिस करता हूँ. जब तक ये आदमी आपकी कंपनी में रहेगा हम अपनी गोलियाँ नहीं दे सकते. बस इतना ही. हाँ इतना ही. नहीं देंगे. अपने नकली बालों की कसम और आपकी गोलियों की कसम इस क्रिएटिव गोली को कंपनी से निकाल के रहूंगा. सिक्योरिटी. तो आपकी जॉब इसलिए चली गई थी? अरे सफेद कपड़े पहनने वाले बेस्ट गोलीबाज. अपनी गोलियों के लिए तूने मुझे नौकरी से निकलवा दिया. तुम्हारी गोलियों की ऐसी की तैसी. तुम्हारी गोलियां नष्ट हो जाए. तुम्हारी गोलियां टूट जाए फूट जाए. तुम्हारी गोलियों में जंग पड़ जाए. तुम्हारी गोलियां सड़ जाए. अगले जन्म में तुम लोग बिना गोलियों के पैदा हो. तुम लोगों के लिए यही गोलियों का शाप है मेरा. अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो. ये हमारे क्लाइंट है इसलिए. अबे टकले तेरी गोली भी निकाल दूंगा. और ये जो श्राप दिया ना मैंने वो श्राप तेरे लिए भी है. गोली के बाल. कंट्रोल करो डार्लिंग. रोज रोज सूप. क्या हुआ? उसके पीने के बाद पियेंगे. ओ
अरे दिव्या जानू हेलो ट्रंप बैच हाउ आर यू हाय खाने से पहले सूप हमको बहुत बड़ी ताकत देता है हमारी शक्ति को बढ़ा देता है अरे काम वाली भाई दाल दाल और दाल हाँ बस एक बार पियो तो सही सूप क्या हुआ भाई ये टेबल क्यों खड़ी हो रही है अरे जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे बस में कुछ भी नहीं है रे उतर 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 नीचे उतर अरे तुम लोग खाना खाओ कोई मुझे खींच रहा है अरे 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 कोई मुझे खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है अरे 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 खींच लिया मुझे ये तो गया बोरिंग चालू काम वाले खाना ले आओ अरे कोई मुझे बचा लो अरे क्या कर रहे हो अरे ए अरे बचाने को बोल रहा है अरे बचा लो अरे रे 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 डिस्टर्ब मत करो भाई खाना खाने दो डिस्टर्ब कर रहा है ना ए डिस्टर्ब मत कर मैंने कहा ना काम वाले थोड़ा और खाना ले आओ लाती हूं अबे कितना खाएगा तू जान निकलने तक अरे मुझे बचाओ मेरी जान निकली जा रही है ए तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या हाथ उठाओ अपना ये लो इससे धो लेना ये दूसरा भी ले जाओ खाना बहुत अच्छा था और एंटरटेनमेंट भी हो गया हाँ वो तो होना ही था सब इस मिला की देना अरे किसी चीज की हद होती है अरे तुम लोग कुछ करो ना मेरे लिए अरे कोई तो मुझे बचा लो अरे माँ अरे बाप रे अब तो खाना भी नहीं बचा खाना चला गया नींद चली गई और ये जो भूतनी है ना मुझे 24 घंटे खाए जा रही है लपचिक 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 मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया मुझे ये जगह छोड़ के जाना होगा Spirit come, spirit come, spirit come, spirit come, spirit come. हम यहाँ आपको कोई तकलीफ देने के लिए नहीं आए बल्कि आपकी मदद करने आए हैं मेरी बात सुनिए मेरे ऊपर विश्वास कीजिए एक बार आइए यहाँ आकर मुझसे बात कीजिए स्पिरिट कम 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 Spirit come, 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 spirit come. कृष्णा तुम रुक जाओ क्या नाम है तुम्हारा बताओ क्या नाम है तुम्हारा
कैसे रिशा? तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तुमने सुसाइड किया था? क्या किसी ने तुम्हारा मर्डर किया था? इनमें से किसी ने तुम्हें हर्ट किया? बिल्कुल नहीं। फिर इन्हें क्यों परेशान कर रही हो तुम? छोड़ दो इनको। नहीं छोड़ूंगी। क्यों? तुम्हें मर्दों से नफरत है या उनके साथ रोमांस करना पसंद है तुम्हें? नफरत है, मर्द के नाम से नफरत है। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस है कि नहीं? आत्मा बनने से पहले जब जिंदा थी तब तुम्हारे अंदर फीलिंग्स थी कि नहीं? सिरशा, सिरशा जाना मत। सिरशा अगर तुम्हें ये टॉपिक पसंद नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगी। सिरशा रुक जाओ, सिरशा मेरी बात सुनो, मत जाओ। मैं जानती हूं कि तुम यहीं कहीं पर हो। कम से कम तुम तो आकर बोलो, सिरशा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? मतलब यहां पर एक और भूत है? हाँ? आकर मुझसे बात करो। स्पिरिट कम, 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 स्पिरिट कम। सिरशा तुम्हारी क्या लगती है? वो लड़की तुम्हें पसंद है? हाँ, प्यार करता हूँ। पर सिरशा ऐसा कर रही है तो तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तो और क्या कर सकता हूँ मैं, उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई। मेरी इच्छाएं बढ़ी? ये देखकर क्या लगता है, ये इच्छा नहीं है? ये सब कुछ उस पागलपन की वजह से हुआ है जो उस दिन तुमने किया था। तुम्हारे पागलपन की वजह से सब कुछ बदल गया, मेरी जान भी चली गई। इसीलिए तुमसे बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। कोई भी मर्द अपने लाइफ पार्टनर के इमोशंस को समझे बिना उसके साथ रोमांस करे, उसके मन से नहीं उसके शरीर से प्यार करे, ये सब बदलने के लिए मैंने ऐसा किया। तुम मेरी फीलिंग्स को समझे बिना ही मेरे साथ सेक्स किया करते थे, खुद एंजॉय करते थे और मुझे कहते थे कि मैं एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करके खुदकुशी करने पे मुझे मजबूर कर दिया तुमने। तुम्हारी इच्छा हो तो सब होना चाहिए और मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है क्या? इमोशंस नहीं है क्या? उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें? बोलो। मैं समझता था कि तुम मेरे प्यार को एंजॉय कर रही हो। तुम्हारी फीलिंग्स इमोशंस को मैं समझ नहीं पाया। तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था। चुप करो, मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। सिरिशा, वो क्या बोलना चाह रहा है सुनो। उसकी बातों में प्यार नजर आ रहा है। उसने इमोशंस को वैल्यू नहीं दी, ये उसकी गलती थी। लेकिन एक इंसान मरने के बाद भी आज तुम्हें इस हालत में देख कर रो रहा था और कुछ नहीं किया उसने। तुम्हें छोड़कर नहीं गया वो। ऐसा प्यार तो सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। प्यार का मतलब जान देना होता है, किसी की जान लेना नहीं। तुमने मुझे गलत समझा शिरीषा। तुम जब मर गई थी ना
तभी मैं भी सुसाइड करके मर गया था। अगर मैं स्वार्थी होता तो तुम्हारे लिए नहीं मरता शीर्षा। इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बड़े दुख की बात है। सच्चे प्यार में ऐसी खटास नहीं होनी चाहिए सिरशा। जो तुम्हें ठीक नहीं लगता वो खुलकर बोलना चाहिए, और ये समझना गलत है कि सामने वाला सब समझ रहा है। ये मूर्खता है और कुछ नहीं। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को समझना ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना भी है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस को समझ नहीं पाया। गाइस बाय बाय। आई चलो चलो फटाफट करते हैं। अभी पता चल गया ना रोमांस कैसे करते हैं। वो क्या है ना, लाइट्स बंद करके, आंख बंद करके नहीं, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, उन्हें सामने वाले के साथ इमोशनली अटैच होना चाहिए। अब चलो एक बार ट्राई करते हैं। ऐसा परफॉर्म करूंगा कि तुम थक जाओगे तो भी मैं रुकूंगा नहीं।